मोड़ की तो हो गई है माँ पे। संडे को निकले थे फंडे कर भाई उसको दुबई दुबई मतलब ही नहीं है आने का जिस मकसद के। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम जा रहे थे आमेर, बाइक से जाना था पर हमको जाना पड़ा कार से, तो कोई बात नहीं, जाना था तो कैसे भी जाओ क्या फर्क पड़ता है, बाकी मिलते हैं ब्लॉग के अंदर। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं आमेर, बाकी हमारा प्लान था बाइक से जाने का पर जो आ रहा था भाई मतलब मेरा तो वो आ नहीं पाया, कुछ रीजंस की वजह से वो आ नहीं पाया, तो हमें हमारी टुक टुक को लेकर जाना पड़ रहा है। बाकी जाना है हमको आमेर तो जाना था, कैसे भी जाओ पर जाओ, लेकिन बाकी ये था कि मज़ा उसी से आता बाइक से क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था, तो कोई नहीं अभी से भी चल के देखते हैं। बाकी तेरा क्या ख्याल है भाई? चलो सही है भाई यार, अपने जिसमें जाए वही बढ़िया यार। बाकी हमारा एक दोस्त और है उसको फ़ोन करा था, अगर वो आ जाता तो और भी अच्छा होता, पर वो भी कहीं है तो किसी वजह से वो भी आ नहीं पा रहा, तो देखते हैं अभी हम आप ही चलते हैं और करते हैं जो भी होता है वो। बाकी यार बारिश आ जाए तो और मज़ा आ जाए, बस ऐसे गाड़ियां आगे चलती रहे ना तो दिमाग ख़राब होता है भाई, बहुत पूरा दिमाग ख़राब होता है ऐसे गाड़ियां चलती रहे। ट्रैफिक चाहिए ही नहीं भाई अपन को, अपन को चाहिए पूरा खुला रोड एकदम। बस तू भी दे दे भाई साइड दे दे तू भी, तो अपना ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर 40 होगा है आमेर, 40 होगा 45 है मेरे हिसाब से, 45 किलोमीटर दूर है, तो अभी हम चलते हैं अपनी डुगडुगी से। बाकी यार धूप हो रही है, मौसम बहुत बुरा हो गया वापस, अच्छा मौसम हो रहा था थोड़ी देर पहले लेकिन अब मौसम फिर से ख़राब हो गया। हम सोचे थे कि बारिश का मौसम हो जाएगा, बढ़िया मौसम हो रहा था बारिश जैसा, पर धूप निकल गई भाई, गाड़ी में भी धूप लग रही है बाहर, तो पता नहीं क्या हाल होगा, पर फिर भी देखते हैं चलते हैं जो भी है करते हैं। एक बात बताता हूँ उसको, क्या मतलब उसको जाना है यहाँ से, अब उसको मतलब यहाँ रहने आया था वो थोड़े दिन के लिए, अब उसको अपने घर जाना है, तो वो बोल रहा है कि यार भाई जाने से पहले एक बार हमको यार वाटर पार्क लेके चल रहा है, तो भैया वाटर पार्क तुमको लेके चलेंगे, मैं भाई बताओ जाने से पहले से क्या मतलब है तुम्हारा, तुमको जाना है भाई ये रहा आमेर, आमेर तुम रहते हो मनोहरपुर, ये रहा गाँव, एक घंटे का रास्ता है तुम आ जाओ भाई कभी भी, ऐसे बोला जैसे दुबई जाना है भाई उसको, दुबई दुबई वाला फील नहीं लेते कि भाई मैं दुबई जाने से पहले एक बार यार यहाँ चल जाता तो मेरा दिल खुश हो जाता, वैसे यार भाई जाने से पहले एक बार वहां लेके चलो, मतलब यार कुछ भी चल रहा है भाई उसके दिमाग में। भाई हमको भी दुख होगा तेरे जाने का पता है, हाँ मुझे पता है, तो देखेगा कमेंट जरूर करेगा आराम ही है ना तू, बाकी यह है कि यार उसका दुख तो हमको भी होगा, उसको भी होगा, इसको भी होगा, और 4-5 उनको भी होगा, क्योंकि एक वही सहारा था हमारा अच्छा खासा बैठने का अड्डा चाय आया। बाकी इस वाली अगली वीडियो में मैं तुमको उसकी शक्ल जरूर बताऊंगा चाय बनाते हुए, और मुर्शद है भाई साहब मुर्शद, शायरियाँ फेंक रहा है शायरियाँ एकदम। बाकी तो यार तू कहाँ तक जाएगा यार, तू जहाँ जाएगा जब तेरा मन करेगा तब तेरे को उठा लेंगे, जब तू बोलेगा ना तब तेरे को लेने आ जाएंगे। और बता वाटर पार्क की बोल रहा है तू यार, तुझे हम और अच्छी अच्छी जगह लेके चलेंगे, तेरा जब मन होगा तब तू फोन कर दिया बता। बाकी तो यार तेरी याद बहुत आएगी यार हमको यार, अब सब गए यार, ये भी गया, ये वीडियो बनाने वाला भी गया, और दूसरा था वो भी गया, तू भी चल जाएगा, तीनों अलग अलग जगह हो जाओगे भाई, सालो मेरे को छोड़ के जा रहे हो तुम अकेले को, पर कोई ना सह लेंगे दुख यार, कोई ना होता है जिंदगी। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं आमेर, मतलब पूरा आए नहीं अभी, मतलब कट आया है अभी, वहाँ रोड में जाएंगे, रास्ता भी लंबा है थोड़ा, बाकी देखते हैं वहाँ जा कर के। यार धूप है ना, बहुत धूप हो रही है यार, इतना धूप सोचा नहीं था लेकिन धूप हो रही है, वहाँ सोचा था कि हो रहा होगा मौसम अच्छा हो जाएगा यहाँ आते आते, पर यहाँ भी बहुत बहुत बुरी धूप है यार, और यहाँ मतलब रोड भी ऐसी है थोड़ी,
प्लेन रोड है ही नहीं यार, यहाँ गाड़ी भी ऐसे चलेगी यार। वो गलत सीन हुआ है हमारे साथ, बाइक से आ रहे थे हम, बाइक से अच्छा होता अगर हम आ जाते तो। पर बाइक वाला भैया जो है हमारा वो थोड़ा लेट आएगा, उन भाई साहब को 4 बजे आना है और हम 4 बजे घर पहुंच जाएंगे, तो इतना लेट हम कर नहीं सकते, तो जान जल्दी हमको यहाँ आना पड़ा। बाकी तो देखते हैं, अब आ ही गए तो क्या ही कर सकते हैं उसका। तो भैया यहाँ गंदी रोड है यार, बहुत सामने देखो रोड, सामने रोड सही है नहीं यार यहाँ की, पर यहाँ की रोड सही होती ना तो सही सीन हो जाता है। अभी इससे भी बुरी रोड आएगी आगे। सो फाइनली पहुंच चुके हैं, फाइनली आ ही गए भाई। इतनी मतलब आना तो था लेकिन बहुत लेट हो गए आने में। यहाँ कोई मेरा भाई अगर आए ना अमेर, जो राजस्थान से बाहर है, तो यहाँ की क्या कहते हैं उसको, गुंजी, गुंजी गुंजी खाना तो बहुत स्वीट होती है एकदम, मतलब मजा आ जाएगा खाने में। वो फेमस भी है शायद यहाँ की, यहाँ फेमस है ना वो, फेमस है हाँ, यहाँ की सबसे फेमस गुंजी है वो। हाँ भाई तू ले ले पहले। यहाँ तुमको कहीं भी मिल जाएगी, इस साइड तुमको यहाँ कहीं भी मिल जाएगी। यहाँ ज्यादातर गुंजी की शॉप है, तो कहीं भी मिल जाएगी तुमको। सामने देखो यही लगी हुई है यहाँ पर, यहाँ काफी टूरिस्ट भी आते रहते हैं। ये लगी हुई है यहाँ पर, भाई आ गए हैं। वही माहौल तो बना हुआ है, यहाँ भीड़ हो रही है गंदी वाली, मतलब इतने धूप में भी भीड़ हो रही है भाई, तो सोचो बारिश के मौसम में तो क्या होता होगा। यहाँ जाम लग रहा है पूरी तरीके से भाई साहब। भाई जी तुम ये जो किला देख रहे हो, ये जो पहाड़ के ऊपर है, वहाँ का रास्ता तो बंद कर रखा है, बिकॉज यहाँ पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, अधिकतर लोग जानते भी होंगे, तो यहाँ से यहाँ की वजह से आए थे, लेकिन यहाँ बंद है। यहाँ अगर जाकर देखते हैं, यहाँ का तुमको व्यू दिखाता मैं, पूरा एज इट इज़ व्यू दिखता तुमको, इतना ओपी व्यू आता है ना यहाँ पे, यहाँ से सीधा यहाँ तक का भाई साहब, बहुत तगड़ा नज़ारा लगता है यहाँ देखने पर, एकदम ओपी। मोड़ की तो हो गई माँ बहन, क्योंकि जिस जिसके लिए आए थे हम, वो चीज़ तो है बंद, क्योंकि हमको वहाँ ऊपर जा कर के पूरा व्यू देखना था, लेकिन वो तो बंद है, अब क्या कर सकते हैं। अब यहीं देखो, यहीं नज़ारे जो है वहीं से एंजॉय करो, निकलो बस, यही हो सकता है। बाकी तो यार अब तो एंजॉयमेंट ख़राब हो गया, अब मतलब सीन रहा ही नहीं है। और बाकी यार अब देखते हैं अगली बार जब आएंगे, यहाँ बारिश के मौसम में बंद कर रखा है, बिकॉज यहाँ बिजली गिरी थी तो काफ़ी लोगों की जान गई थी, इस वजह से यहाँ बंद कर रखा है बारिश के मौसम में। बाकी अब अगली बार देखते हैं जो भी सीन होगा, वहाँ से ऊपर का व्यू तो देखना है, ऊपर मेरे को वैसे भी जाना है, मैं आज तक गया नहीं हूँ, बाकी मैंने वीडियोस देखे हैं। तो हमारा संडे हो गया है पूरा, पूरी तरीके से ख़राब, वो भी बंद है ठीक है, और मौसम भी इतना चूतिया मौसम हो रहा है ना भाई साहब, गर्मी हो रही है पूरी तरीके से, भयंकर गर्मी हो रही है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। अगर आओ ना तो मौसम देख के ही आना यहाँ, क्योंकि हमने सोचा था कि आगे आगे आते हुए मौसम सही हो जाएगा, पर यहाँ मौसम सही हो ही नहीं रहा, मतलब धूप निकलती है पूरी तरीके से, हम फंस गए यार यहाँ करके, तो मतलब टाइम वेस्ट, टाइम ख़राब हो गया हमारा यहाँ करके, इससे बढ़िया तो हम और कहीं चल लेते तो सही होता। तो अब हम नीर कर रहे हैं यहाँ पे ब्रो, और यहीं का हमारा लास्ट है, बाकी हम आगे आगे नहीं जा रहे, अब सीधा निकलते हैं घर। बहुत सागर हो सके तो वाटर पार्क जाएंगे, वहाँ अगर तुमको देखने को मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं बस कोशिश करूँगा वहाँ ब्लॉग बनाने की। यहाँ किसी बनेगा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है आने का, जिस मकसद के लिए आए थे वो तो है बंद,
ठीक है, और बाकी कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। प्लेन पूरा ख़राब हो गया है यहाँ का, तो टाइम भी ख़राब हुआ, पर 2 घंटे बच रहे हैं हमारे पास, तो देखते हैं वहाँ कुछ अच्छा बना लूँ तो मैं। और तो बाकी चलिए चलते हैं, और क्या ही कर सकते हैं, ख़राब तो कहीं। आज कल लोग यही ख़त्म करते हैं क्योंकि करने क्या गए थे, हो क्या गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वॉक के अंदर।